अध्याय 7 नारी का सम्मान। बलिदान तथा ममता का साक्षात रूप नारी है। त्याग तथा प्रेम के समन्वय की दृष्टांत नारी है। महान है तू नारी जिसने सृष्टि को चलाया है। वीरांगना भी तू है नारी स्वतंत्रता संग्राम में भी हाथ बटाया है। यूं तो पूजी जाती है संसार में क्योंकि जन्मदात्री है, मगर कहीं कहीं तेरे अपमान की सीमा न नजर आती है। जन्म देने वाली पुरुषों को उनके ही पैरों तले रौंदी जाती है, उन्हीं के द्वारा प्रताड़ित की जाती है। तू जीवन दूसरों को देती है, स्वयं पीड़ित होकर भी मुस्काती है। सवाल एक मन में सदा फिर भी उठता है, बेटी के पैदा होते ही पिता अनजाने ही घबरा जाता है। यह नहीं है हमारी भारतीय संस्कृति, ना ही मर्यादा है हमारी कि नारियों का अपमान करे या जीवन देने वाली का तिरस्कार करे। नारी ने आज अपनी शक्ति को पहचान लिया है, कम नहीं है कहीं भी वे पुरुषों से, इस सत्य को जान लिया है। ठीक अभी वह अबला आश्रित व असहाय निर्भर थी दूसरों पर, परंतु आज नहीं, अन्याय को अब सहती नहीं, स्वावलंबी है दूसरों का मुंह ताकती नहीं। स्वयं की पहचान पाली है उसने, निराश्रय भी जीना उसे आता है, क्योंकि परिवार का बोझ उठा लिया है उसने। स्वावलंबी है नारियां, इस सत्य को झुठलाया जा नहीं सकता। जब तक उन्हें समान अधिकार न दोगे, विकास के चरम उत्कर्ष पर पहुंचा जा नहीं सकता। पूजी जाती है जहां नारियां, देवताओं का वास वहीं होता है। सरस्वती काली दुर्गा व लक्ष्मी को ही समस्त संसार नमन करता है। इसलिए नर और नारी में अंतर करना छोड़ दो, नारी के सम्मान की सदैव रक्षा करो, सदैव रक्षा करो, सदैव रक्षा करो।